हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव व सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले से हरियाणा ने देश व विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है, ठीक उसी प्रकार अन्य व्यापार मेलों में भी हरियाणा अपनी छाप छोड़े, इसके लिए व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करनी होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार जिलों में व्यापार मेले आयोजित करने संबंधित प्रयास किए जाए। सर्वप्रथम गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में ऐसे व्यापार मेले आयोजित किए जाएं। मुख्य सचिव 14 नवंबर से नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई व्यापार मेला प्राधिकरण हरियाणा की 32वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के 2,79,00,000 रुपए के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में बताया गया कि इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 14 नवंबर से शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा के पेवेलियन को और अधिक आकर्षक और रचनात्मक ढंग से तैयार करवाया जाए। मेले की योजना विभिन्न विभागों के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से की जाए। आपको बता दें कि 20 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने, गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने और बाजार की आवश्यकता अनुसार उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में पूरी योजना और तैयारी के साथ हिस्सा लेने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाणा के लघु, सूक्ष्म और माध्यम इकाई को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों के बारे में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पेवेलियन पर प्रदर्शित करने के साथ साथ अन्य मेलों और विभिन्न विभागों के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी प्रदर्शित किया जाए। बैठक में बताया गया कि व्यापार मेला प्राधिकरण हरियाणा जनवरी 2023 में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस 2023 और 14 से 18 मार्च 2023 तक होने वाले आहार अंतर्राष्ट्रीय मेला 2023 में भी हिस्सा लेगा। बैठक में वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न मेलों में भागीदारी के संबंध में भी जानकारी दी गई। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़।